आपका क्वेश्चन है इन फिगर बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी, ए डी इज एनी लाइन फ्रॉम ए टू बी सी इंटरसेक्टिंग बीई इन एच, पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ ए एच ए बी एंड बी सी, प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 degrees। ठीक है ना, तो ये हमारा एक फिगर है, तो इस फिगर को अच्छे से समझो। इसने क्या दिया है, देखो ए बी एंड सी, यहां पर इज डी, इधर आर है, एच है, ई है, पी है एंड क्यू है। ठीक है ना, अब इसको हम धीरे धीरे पढ़ के इसको समझते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसने क्या दिया है, देखो बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, है ना, तो दैट मीन्स बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दैट मीन्स आपका क्या हो गया, यहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो गया आपका, है ना। तो वी कैन से एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। तो अगर इधर 90 डिग्री हो गया तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा, सेम हमने लिखा है ये। ठीक है नाउ, फिर देखो इसने क्या कहा, ए डी इज एनी लाइन फ्रॉम ए टू बी सी, तो ए डी इज एनी लाइन ऑन बी सी, बस खत्म, ओनली वन लाइन है। नाउ फिर क्या है, देखो इंटरसेक्टिंग बी ई इन एच, आपका बी ई को इंटरसेक्ट कर रही है ए डी एट एच, इट्स ट्रू। ठीक है नाउ, फिर क्या दिया इसने, पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, तो जो मिड पॉइंट्स है उसको हम मार्क कर देते हैं। तो इसने कहा पी क्यू एंड आर, ए एच का क्या है पी, है ना, तो देखो पी फॉर ए एच, तो ए एच का इज पी, दैट मीन दिस वन, तो आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है नाउ, दूसरा देखो Q फॉर ए बी, तो Q इज फॉर ए बी, दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस। फिर क्या दिया देखो, R, R फॉर बी सी, तो R इज फॉर बी सी, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो जैसा इसने कहा है वैसे ही हमने कर दिया, अब आपने समझ लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 degrees, दैट मीन्स पी क्यू एंड आर दिस एंगल इज 90 degrees, वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है नाउ, तो सबसे पहले इसने क्या चालू किया था, बी ई को, है ना, तो अगर हम देख रहे हैं इस परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है नाउ, अगर हम इस साइड से देख रहे हैं बी की तरफ से, तो यू कैन सी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स, तो आप लिख सकते हैं क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कौन से ट्रायंगल में, आपके बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यू कैन राइट इट एज दैट आल्सो ट्रायंगल एबीसी। ठीक है नाउ, क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स, तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो बाय मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, तो वी कैन राइट दैट ओनली मिड पॉइंट थ्योरम, और यू कैन राइट कन्वर्स से आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर इज पैरेलल टू ए सी, क्यू आर इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, और हाफ हो जाएगा वो भी है। ठीक है नाउ,
तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, है ना, सपोज ये दो लाइन पैरेलल है और ये आ रहा है यहां पर ट्रांसवर्स आ रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, बाई किसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो आप देखो, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, तो दैट एंगल इज क्यू एच एंड बी, तो वी कैन राइट इट एज एंगल, ये वाला कौन सा है, ए ई बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एच बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्रीज हो गया, तो दिस इज योर 90 डिग्रीज। नाउ अब आपको देखो दूसरा, अब आप ये वाला ट्रायंगल लो, ओनली लेफ्ट साइड वाला, दिस वन, तो आपका ट्रायंगल है ए बी एंड डी, तो ट्रायंगल इज ए बी एंड डी। ठीक है, इन दिस ट्रायंगल आपका क्या दिया हुआ है, Q इज द मिड पॉइंट एंड P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, तो आपका दिया हुआ है Q एंड P आर ए बी डी नहीं है, आपका है ए बी एंड H। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इतना। ठीक है, नाउ तो यहां पर Q एंड P आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट है वो, ए बी के एंड एच। अगर वो दोनों मिड पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना, तो वी कैन राइट इट एज क्यू पी इज पैरेलल टू बी एच, और यू कैन से क्यू पी इज पैरेलल टू बी, है ना, तो दोनों पैरेलल हैं। नाउ अब आप ध्यान से देखो, दिस इज योर ट्रांसवर्स, दो लाइन आपकी पैरेलल हो गई हैं, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, दो पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस हैं, एंड क्यू एच इज द ट्रांसवर्स, क्यू एच इज ट्रांसवर्स, ठीक है, तो वो ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए हमारे, दे आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, तो वी कैन राइट इट एज एंगल बी एच क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, है ना, क्योंकि इसने आर के लिए बोला है, तो हमने आर लिखा है, तो आप एच भी लिख सकते हैं, बाई दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों ही 90 डिग्री हो गए, अब तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है,